दोस्तों सुपर हीरो कोई भी हो, स्पाइडरमैन, आयरन मैन और ब्लैक पैंथर से लेकर थॉर या फिर कोई और, इन्हें देखकर हम हमेशा से ही एक अलग थ्रिल फील करते हैं। तो इन्हीं सुपर हीरो से जुड़े हुए कुछ कमाल के सुपर हीरो गैजेट से आज आपको मिलवाऊंगा मैं। तो गाइज वेलकम टू गैजेट जोन, एंड वीडियो को अभी से लाइक कर दो एंड चैनल को करके सब्सक्राइब दबा दो बेल आइकन, एंड फिर आराम से रिलैक्स होकर गाइज मजा लीजिए इस अमेजिंग सफर का। तो दोस्तों आज नंबर वन पर शुरुआत होगी आयरन मैन आर्क रिएक्टर से। हम सभी आयरन मैन के सूट्स के फैन तो हमेशा से ही रहे हैं, उसके यही सूट्स उसे एक सुपर हीरो बनाते हैं, लेकिन इन सूट्स को पावर कहां से मिलती है? जाहिर है आर्क रिएक्टर से, वो आर्क रिएक्टर जो कि टोनी ने एक गुफा में बनाया था। ऐसे में मिली है टोनी के आर्क रिएक्टर से, जिसे आप भी ले सकते हैं। ये आर्क रिएक्टर अपने कांच के केस में आता है, हालांकि इसे आप उससे बाहर भी निकाल सकते हैं। और इस आर्क रिएक्टर में वो मशहूर वर्ड्स लिखे हुए हैं जिन्हें हमने मूवी में देखा था, यानी प्रूव दैट टोनी स्टार्क हैज अ हार्ट। ये दिखने में बिल्कुल एक रियल आर्क रिएक्टर की तरह लगता है, क्योंकि इसमें हर एक डिटेल और बारीकी का काफी अच्छे से ध्यान रखा गया है। इसमें मूवी वाले आर्क रिएक्टर की ही तरह लाइट्स भी ग्लो करती हैं, और इसकी लाइटिंग को आप इसके रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको अलग अलग तरह के लाइटिंग मोड्स मिल जाते हैं। तो अगर आप भी फैन है टोनी के, तो इस आर्क रिएक्टर को आप जरूर से ले सकते हैं। नफ ब्लैक पैंथर वाइब्रेनियम स्ट्राइक गॉन्टलेट ब्लास्टर। दोस्तों बात करें ब्लैक पैंथर की, तो इन्फिनिटी वॉर से लेकर एंड गेम तक में दुनिया को बचाने में एवेंजर्स की टीम में उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा था। ऐसे में बात हो सुपर हीरोज की और ब्लैक पैंथर को ना याद किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मिलिए ब्लैक पैंथर के इस वाइब्रेनियम स्ट्राइक गॉन्टलेट ब्लास्टर से। इसे यूज करने के लिए आपको इसे हाथ में पहन लेना होगा, उसके बाद इसमें डार्ट्स को कर लेना होगा लोड, और फिर इसका ट्रिगर प्रेस करते ही ये डार्ट को शूट कर देगा। यानी एक तरह से देखा जाएगा इस, तो ये एक डार्ट शूटर गॉन्टलेट है। हालांकि देखने में इसके लुक्स ब्लैक पैंथर से काफी मिलते हैं। इस तरह से गाइज अगर कोई किड हो जो कि फैन हो ब्लैक पैंथर का, तो उसे देने के लिए ये एक परफेक्ट गिफ्ट हो सकता है। मार्वल लेजेंड्स थॉर म्योलनिर इलेक्ट्रॉनिक हैमर। गाइस भले ही थॉर ने बाद में दूसरे हैमर का यूज किया हो, लेकिन म्योलनिर हमेशा से ही फैंस का फेवरेट रहा है, क्योंकि उसने हमेशा से ही थॉर का साथ दिया है स्टार्टिंग से। ऐसे में अगर आप फैन हैं थॉर के, तो ले सकते हैं उसका ये इलेक्ट्रॉनिक हैमर। इस म्योलनिर का साइज भी ठीक मूवी वाले म्योलनिर जितना ही है, और साइज के अलावा बात करें इसके लुक्स और डिजाइन की, तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट रखी गई है, जिनसे ये देखने में बिल्कुल एक रियल म्योलनिर लगता है। जहां इसके बॉर्डर्स में आपको ठीक वैसी ही डिजाइन देखने को मिल जाएगी जैसे कि हमने मूवी वाले म्योलनिर में देख रखी है। वहीं गाइस अब बात करें इसके सबसे धांसू फीचर की, तो इसमें आपको लाइटनिंग और थंडर इफेक्ट सुनाई और दिखाई देंगे, जो कि मोशन से एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी जब आप इसे उठाएंगे तो ये इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे और सुनाई भी देंगे। और आपको याद होगा जब ओडिन ने थॉर से हैमर और उसकी पावर्स वापस ले ली थी, तब उसने म्योलनिर से एक सेंटेंस बोला था, जिसे बोलने पर ओडिन का सिंबल म्योलनिर में बनाया था। तो अगर आप भी वो फ्रेज करेक्टली बोलेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक म्योलनिर से, तो इसमें भी आपको ओडिन का वही सिंबल अपीयर होता हुआ दिखाई देगा, जो काफी कमाल का रहता है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये म्योलनिर, मुझे जरूर बताना। मार्वल स्पाइडरमैन होमकमिंग हीरो गियर। दोस्तों अब तक हमने तीन स्पाइडरमैन देख रखे हैं, एंड तीनों ही एक से बढ़कर एक रहे हैं। ऐसे में स्पाइडी फैंस मिलिए स्पाइडरमैन होमकमिंग हीरो गियर से। इस गियर में होता है एक मास्क, एक बेल्ट, और एक जो काफी कमाल का हिस्सा होता है इस गियर का, वो होते हैं इसके वेब विंग्स। और विलन से लड़ने के लिए कोई ना कोई हथियार तो चाहिए ही। ऐसे में इसमें मिल जाएगा आपको एक रैपिड रिलोड ब्लास्टर, जिसे कि आप तुरंत ही रिलोड करके इससे डार्ट्स को शूट कर सकते हैं। और इसका मास्क भी ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि ये स्पाइडर साइट मास्क है, जो कि आईज से अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस भी दे सकता है। इस तरह से ये पूरा गियर होमकमिंग वाले स्पाइडरमैन पर बेस्ड रहता है, और इसके अलग अलग पार्ट्स इसे और भी कूल बना देते हैं। प्लेस्टेशन वीआर। अब गाइस अगर आप खुद में एक स्पाइडरमैन जैसा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, यानी कि वो एक्सपीरियंस जिसमें आप खुद स्पाइडरमैन बन जाओगे एंड उसके पर्सपेक्टिव से चीजें कर पाओगे गेम में, तो इस कमाल के नेक्स्ट लेवल वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो प्लेस्टेशन वीआर गेमिंग हेडसेट का। ये एक वर्चुअल रियलिटी गेमिंग हेडसेट है, जिसे लगाकर आप बहुत से अलग अलग तरह के वीआर गेम्स की दुनिया में पहुंचकर उन गेम्स का मजा ले सकते हो। इसमें आपको काफी एक इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है, और ना सिर्फ स्पाइडरमैन बल्कि इसमें आप कमाल के रेसिंग गेम्स भी खेल सकते हो, एंड इसके अलावा शूटिंग गेम्स भी खेल सकते हो। यानी कि गेम कोई सा भी हो, उसमें आप ही होगे मेन कैरेक्टर, और पहुंच जाओगे बिल्कुल ही एक नई दुनिया में। हालांकि वो दुनिया वर्चुअल दुनिया होगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपको आपके चारों ओर हो रही चीजें उस गेम में बिल्कुल रियल लगेंगी। तो प्लेस्टेशन वीआर में आपको मिल जाता है एक नेक्स्ट लेवल वीआर गेमिंग एक्सपीरियंस।
अल्टीमेट लाइटनिंग मैकवीन बाई स्पैरो। अब गाइस आपने कार्स मूवी में लाइटनिंग मैकवीन को तो देख ही रखा होगा एंड बहुत से लोगों की ये फेवरेट भी है। ऐसे में मिलिए इस छोटी सी रियल लाइफ लाइटनिंग मैकवीन से, जिसे आप सीधे कंट्रोल कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन से। एंड गाइस ये लाइटनिंग मैकवीन कोई आम कार नहीं है, बल्कि ये भी ठीक उसी तरह से अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन शो करती है जैसे कि हमने मूवी में देख रखा है। ये स्माइल करती है, आईज को ब्लिंक करती है और इतनी छोटी होने के बावजूद भी काफी ज्यादा एडवांस्ड है ये। और स्पीड की बात करें तो वो भी इसमें आपको काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। इसकी ड्राइविंग काफी स्मूथ और प्रिसाइज होती है, इसीलिए इसे चलाते वक्त आपको काफी कॉन्फिडेंस फील होगा। तो दोस्तों देखा जाए तो ये आम तौर पर आने वाले कार टॉयज से काफी ज्यादा एडवांस्ड रहती है एंड ये बात भी बिल्कुल तय है कि इसे भी आप काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। नर्फ एवेंजर्स स्पाइडरमैन असेंबलर गियर ब्लास्टर। अब दोस्तों स्पाइडरमैन के इस गियर ब्लास्टर की बात करें तो ये आता है अपने काफी सारे कूल अटैचमेंट्स के साथ, जिन्हें इस गियर ब्लास्टर में जोड़कर आप इसे और भी औसम बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो इसमें अटैचमेंट है जिसमें कि वेब निकलता हुआ सा लग रहा है, इसकी पोजीशन को आप इस गियर ब्लास्टर पर चेंज करके भी इसे यूज कर सकते हैं। और भले ही देखने में ऐसा ना लगे, लेकिन इसमें एक या दो नहीं बल्कि काफी सारे अटैचमेंट्स को आप ऐड करके इसे काफी बड़ा बना सकते हो। यानी एक तरह से देखा जाए तो लगभग हर एक एवेंजर का कोई ना कोई गियर इसमें ऐड करके ये एक तरह से सारे एवेंजर्स का गियर बन जाता है। इस तरह से अगर आपको एक ऐसा एवेंजर गियर ब्लास्टर चाहिए जिसमें आप एक या दो नहीं बल्कि सारे ही सुपर हीरोज के गियर को असेंबल कर सके, तो नर्फ एवेंजर स्पाइडरमैन असेंबलर गियर ब्लास्टर को आप जरूर से ले सकते हैं। टेलो आयरनमैन ड्रोन। दोस्तों ड्रोन्स तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं खास सुपर हीरो गैजेट्स की, तो मिलिए टेलो आयरन मैन ड्रोन से। यानी ड्रोन भी आज सुपर हीरो वाला ही होगा। दोस्तों ये टेलो का आयरन मैन एडिशन ड्रोन है, जिसकी बॉडी से लेकर प्रोपेलर्स सब के सब आयरन मैन के सूट वाले कलर में रहते हैं, यानी रेड एंड गोल्डन का एक कॉम्बिनेशन। साथ ही इसमें मौजूद रहता है एक आर्क रिएक्टर और स्टार्क इंडस्ट्रीज भी लिखा रहता है इस पर। अब गाइस आपको बता दूं कि ये एक कैमरा ड्रोन है, तो इससे आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ ही ये हवा में उड़ते हुए 360 डिग्री तक रोटेट भी कर सकता है, और रोटेट करने के साथ साथ ये हवा में ही फ्लिप्स भी मार सकता है। तो दोस्तों ये शायद से पहला ऐसा ड्रोन है जो कि बेस्ड रहता है हमारे फेवरेट आयरन मैन पर। तो अगर आप एक ड्रोन लेने की सोच रहे हो एंड साथ ही फैन हो आयरन मैन के, तो टेलो आयरन मैन ड्रोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इंटरैक्टिव स्पाइडरमैन बाय स्पैरो। दोस्तों हमने मूवीज में देख रखा है कि स्पाइडरमैन एक फन लविंग टीनेजर है जिसे मजाक करना काफी पसंद है। ऐसे में अगर स्पाइडी की ये क्वालिटी आपको अच्छी लगती है तो आप ले सकते हैं इंटरैक्टिव स्पाइडरमैन बाय स्पैरो। ये एक छोटा सा स्पाइडरमैन होता है जो कि आपसे इंटरैक्ट कर सकता है बिल्कुल एक नेचुरल वे में। यानी इससे आप बातें कर सकते हैं, अपने दिन के बारे में इसे बता सकते हैं या फिर हंसी मजाक कर सकते हैं इसके साथ। इसके चेस्ट पर स्पाइडर का सिंबल मौजूद रहता है जो कि ग्लो करता है, एंड बात करें इसकी आंखों की तो वो बेहद खास है, क्योंकि वैसे तो हम जानते ही कि स्पाइडरमैन का पूरा फेस मास्क से कवर्ड रहता है। ऐसे में अगर उसे खुद को एक्सप्रेस करना हो तो ये चीज वो सिर्फ अपनी आईज से ही कर सकता है। तो इस इंटरैक्टिव स्पाइडरमैन की आंखें भी एक्सप्रेसिव होती हैं, यानी इन आंखों से ये तरह तरह के एक्सप्रेशंस को शो कर देता है, जैसे कि सरप्राइज और गुस्सा वगैरह। ये देखने में भी बहुत ज्यादा क्यूट लगता है और इसे आप कहीं पर भी रख कर इससे ढेर सारी बातें कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जल्दी से कर दो लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लो ऑल पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड ऑसम गैजेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।